आप अंदाजा लगाएं हरियाणा में, मैं एक ही प्रदेश का उदाहरण दूंगा, हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हमारे प्रदेश में, अब केवल 900 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 पक्के किए जाएंगे, 225, बाकी घर आ जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती और कहाँ 225 पक्के किए जा रहे हैं, जहाँ देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जहाँ जज्बा था जिस नौजवान में, आज वो अपनी जान की कुर्बानी की बाजी लगाकर डंकी के रास्ते पनामा के जंगल से होते हुए अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने की वहाँ का नौजवान सोच रहा है, ये स्थिति ला दी इस सरकार ने। आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी आई हरियाणा के नौजवान को लेकर, जिसमें रिपोर्ट में कहा है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें कहा कि 55% पढ़े लिखे नौजवान हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा से बाहर रोजगार का सपना लिए हुए बाहर जाने की के प्रयास में है या जा चुके। तो ये स्थिति बन गई, इसके लिए जिम्मेदार तो इसका एक पहलू फौज की में जो खामियां हैं जो इसका जो रिपोर्ट्स में आया, और दूसरा पहलू हमारे नौजवान के अरमानों पे को जो चकनाचूर करने का काम किया गया, देश का नौजवान उसकी देशभक्ति की भावना पे जो चोट पहुंचाने का काम किया गया, दूसरा पहलू वो है। और इसका तीसरा पहलू और अंतिम पहलू, देश की फौज का, देश के फौज के प्रति जो देश की सरकार का रवैया रहा है जब से सरकार आई है, उस पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अग्निवीर योजना बिना किसी चर्चा विचार विमर्श कर इतनी बड़ी देश की फौज, जिसने दुनिया में आपका हमेशा गौरव बढ़ाया, उस फौज की प्रक्रिया बदल दी, कहीं कोई चर्चा नहीं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा कि शायद ऐसा किसी देश, दुनिया के किसी देश में इस तरह से अपनी सैन्य से अपनी सेनाओं का इस तरह का अपमान कभी नहीं किया गया होगा कि 5वीं और 6ठी पंक्ति में सीडीएस को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को वहां पे जगह मिली, जबकि अगली पंक्तियों में देश के उद्योगपति, देश के अभिनेता, बिजनेसमैन और धन्नाड़ श्रेणी के लोग अगली पंक्तियों में बैठे थे। ये कैसा देश का सम्मान है, कैसा देश की फौज का सम्मान है, ये कैसी देशभक्ति है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर आप प्रश्न ले सकते हैं, आपके प्रश्न ले सकते हैं। ये देश की सरकार को, ये हम देश की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये देश जय जवान जय किसान और जय संविधान का देश है, इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। देश में मजबूत विपक्ष है, और दोबारा से कान खोल के ये सरकार सुन ले, ये जय जवान जय किसान और जय संविधान का देश है, इसको हम जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। देश की सेना के अध्यक्षों की जो का मान सम्मान है, वो केवल उन्हीं सेनाओं का नहीं है, देशवासी प्रत्येक देशवासी का मान सम्मान है, उनका इस तरह का अपमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अपनी मांग हमारी उस पर हम कायम है, जब ये संसद का सत्र आएगा, संपूर्ण विपक्ष इंडिया गठबंधन एकता से लड़ाई लड़ेगा और अग्निपथ योजना को वापस करा के ही दम लेगा।